गुलाबबाग के सनौली चौक में राजद के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प की वर्षा कर बीमा भारती के पक्ष में नारेबाजी की। महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती, राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव, राजद जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास और राजद नेता रुस्तम खान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की। फूलमाला पहनाकर बीमा भारती का स्वागत किया। राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हें भरोसा है कि 26 अप्रैल को उनके पक्ष में एक तरफा वोट होगा और सांसद बनाने का काम पूरा होगा। हमारे आज हल्ला मत कीजिए, जो विधिवत हमारे राष्ट्रीय जो नेता है, सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे अभिभावक हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे महागठबंधन के सभी नेता जो मुझे लोकसभा का उम्मीदवार पूर्णिया लोकसभा से पूर्णिया की जनता का सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। आज पहला दिन है यहाँ पर, आज विधिवत उद्घाटन हम लोग किए और हमारे धमधा के विधायक लोकप्रिय पूर्व विधायक दिलीप यादव जी और इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए हमारे पूर्णिया सदर के प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी रह चुके हमारे आदरणीय अभिभावक रामचंद्र बाबू और इस आज इस कार्यक्रम में हमारे भाई रुस्तम जी जिन्होंने भव्य स्वागत किया और पूरे सभी हमारे साथी महागठबंधन के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश दास जी, हमारे तमाम सभी कार्यकर्ता ने गर्म जोश से यह स्वागत हुआ और पूर्णिया में इतना हमको प्यार स्नेह मिल रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ भी हम जा रहे हैं भरपूर प्यार मिल रहा है सभी का, आशीर्वाद कृपा सभी का जो है कि मुझे भरपूर मिल रहा है। मैं विशेष नहीं कहूँ, हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ये चुनावी माहौल है और पहले से ही ये आरजेडी का कार्यालय है। आज विधिवत इसका उद्घाटन हुआ है और इससे जो हमारे लोकल के जो पूर्णिया के पूरब के जितने भी वर्कर हैं आरजेडी उनको सहूलियत होगा। यहाँ से जो रुस्तम भाई हैं उनके माध्यम से संगठन को मजबूत करना और वोटरों को अपने संवाद वहाँ तक पहुँचाना एक कड़ी का काम करेगा और हमें काफ़ी मजबूती मिलेगा इस मुख्यालय के खुलने से, मतलब कार्यालय के खुलने। मैडम पहले ही बता चुका हूँ कि देश में दो धारा है, दूसरी कोई विचार नहीं है। और जो कह रहा है कि पूर्णिया मेरी माँ है, तो कोई बेटा 20 साल अपने माँ को छोड़ के कहीं बाहर नहीं चला जाता। 20 साल उन्होंने पूर्णिया को छोड़ने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2009 के चुनाव में दो जगह से जीता था और इनको एक जगह से त्याग पत्र देके जिनका आपने नाम बोला उनको मधेपुरा से जिताने का काम किया अपने दल से। और इन्होंने पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में जब इनको मौका मिला तो पूरे प्रदेश में 243 सीट पर इन्होंने कैंडिडेट खड़ा करके सामाजिक न्याय और शिक्षा का जो सद्भावना का जो एक विचारधारा था उसको इन्होंने मिटाने का काम किया। हर जगह इन्होंने हरवाने का काम किया। ये बीजेपी की सेकेंड पार्ट है, आप याद रखें मैडम, जो इनको जेड प्लस की सुरक्षा मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था? जैसे इन्होंने कांग्रेस में घोषणा किया इनका जेड प्लस सुरक्षा हटा दिया गया, तो ये बीजेपी का सेकेंड पार्ट है। ये बात पूर्णिया की आम और आवाम समझती है
और ये जनता की छलवा बेटा है, ये असल बेटा पूर्णिया का नहीं है, इसलिए यहाँ की जनता ही है जिनके बरगड़ाने पर नहीं आएगी। ये यहाँ के सियासी भी है आरजेडी के, और यहाँ अमीर और गरीब की देश में लड़ाई है। एक कंगना रावत को चुनाव लड़ाते हैं और लालू यादव गरीब की बेटी बकरी चराने वाले को चुनाव लड़ाते हैं। इस दो तरह की बात को आप लोग देख लीजिए। ये पूर्णिया सीमांचल रेणु की धरती है और रेणु की धरती को सींचने का काम किया मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने, और तस्लीमुद्दीन को हम बीमा भारती के द्वारा ये हमारी सांसद बनती है। तो ये चारों जिला से हम लोग चुन के जाएंगे, कटिहार से तारिक अनवर, जावेद आजाद और शाहनवाज आलम, और बीमा भारती पार्लियामेंट में पहली बार जाके तस्लीमुद्दीन को भारत रत्न देने की मांग करेंगे, जो सीमांचल की धरती पे मुसलमानों के रहनुमा, गरीबों के रहनुमा, सीमांचल को समझने वाला था, सीमांचल के बदहाली को, सीमांचल के बेबसी को, सीमांचल के लाचारी को, तो वो तस्लीमुद्दीन थे। और कुछ लोग जो हमारे भटके हुए हैं वो भटकेंगे नहीं, ईद का चांद देख लिए, नमाज पढ़ लिया है, और 4 जून को हम लोग ईद मिलन करेंगे नरेंद्र मोदी को समाप्त कर, सारे मुसलमान एकता के साथ बीमा भारती को एक एक वोट देंगे, और जो भटके हुए हैं वो तस्लीमुद्दीन के रूह को कपाएंगे। और ये तमंचा बांटने वाले लोग फिर से पुनः सर झुकाए हुए, सर उठाए हुए हैं, इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब। आरजेडी कार्यालय लालबाग में माननीय रुस्तम साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार आज उद्घाटन हुआ है, और उसमें हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और कुछ दिनों के बाद सांसद कहे जाने वाली बीमा भारती उपस्थित हैं। हमारी राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष हैं, हमारी पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव जी हैं, आप सभी हमारे आदरणीय कार्यकर्ता जी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बयार बहुत मोदी की बात को लोग समझ चुके हैं, मोदी इतना झूठ बोलते हैं, हमारे विधायक जी ने विस्तार से बता दिया ये काम नहीं करते हैं, लोगों को भटकाते हैं, कोई बात करके आपको भटका दे, लेकिन जो वो वचन दिए थे पिछले दोनों लोकसभा में के चुनाव में उसमें से एक भी पूरा नहीं, इसलिए जनता जग गई है, जनता समझ ली है, आप वह महागठबंधन के तरफ जनता है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारी मत से, प्रचंड बहुमत से माननीय हमारे प्रत्याशी बीमा भारती को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से भारी विजय मिलेगा, ये हम जानते हैं, ये हम आश्वस्त आपको करना चाहिए। शुक्रिया।